अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा स्पेशल। और आज के हमारे जो मेहमान है वो भी बहुत स्पेशल है। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी दुनिया भर में करना, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के सामने करना, अहम दुनिया के उहदेदारों पर के सामने करना, और एक ऐसे इशू के ऊपर करना जो कि जिस पाकिस्तानी से आप बात करें हमारे दिलों के बहुत करीब है। वो इशू उस पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान की वो ना सिर्फ नुमाइंदगी करते हैं बल्कि इस अंदाज से करते हैं कि बहुत से लोगों से मेरी बात हुई, उनके किरदार के हवाले से उनका कहना ये था कि हमारी मुल्क की सक्सेसिव गवर्नमेंट से ज्यादा अच्छा अगर कोई कश्मीर का केस जो है वो टेकअप करता है या कॉज को लेकर चलता है तो वो जो है वो चौधरी परवेज इकबाल लोसर साहब है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं चेयरमैन ईयू पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन चौधरी परवेज इकबाल लोसर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। नहीं सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आपने हमें ज्वाइन किया, क्योंकि जैसे मैंने इब्तदाई में कहा कि कश्मीर कॉज और आपका प्रोफाइल एक दो जगह पर मैंने पढ़ा जहां पर जिसमें ये लिखा हुआ था कि आपने ये कहा है कि आपकी जिंदगी के ऑब्जेक्टिव्स में से ये एक है कि आप मरते दम तक कश्मीर कॉज के लिए फाइट करेंगे। तो मैं इसी से आगाज करती हूँ सर कि सबसे पहले तो एक बिजनेसमैन जो पाकिस्तान से बाहर गए, इनिशियली जो आपका प्रोफाइल है वो यही है, ख्याल कैसे आया कि इस कॉज को टेकअप करना है और ये रास्ता कैसे बनाया कि दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी ताकतों के सामने आप कश्मीर की बात करते हैं आज? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं 26 अगस्त 1992 को यूरोप गया और जिस मुल्क में अभी रह रहा हूं बेल्जियम, पहले 10 साल तो गुजर गए जिंदगी के माशी हालात ठीक करते हुए। तकरीबन 2000 और 2002 के दरमियान हमने यूरोपियन पार्लियामेंट जाना शुरू किया तो वहां पर हमारा जो हमसाया है उनकी लॉबी बड़ी मजबूत थी और जब हम कश्मीर पे बात करते थे तो हमारी कोई बात सुनता नहीं था। हम हर दिन जो है यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबरों को मिलते थे, बात करते थे तो कहते हैं कश्मीर कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है। फिर ये एक बात जहन में आई कि यार इनको भी ये भी बताना है कि पाकिस्तान कहाँ है और ये भी बताना है कि कश्मीर का केस क्या है। तो फिर हमने यूरोपियन पार्लियामेंट में एक वक्त आया, अल्लाह की मदद से हमने यूरोपियन पार्लियामेंट में फ्रेंड ऑफ कश्मीर का ग्रुप बनाया, फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान का यूरोपियन पार्लियामेंट में ग्रुप बनाया। फिर हमने उसी पार्लियामेंट के अंदर से गुमनाम कब्रों का एक, आपको शायद याद हो कि मास ग्रेव के नाम से एक वो करारदाद हमने पहली बार यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर लाए और फिर हमारा, वो कहते हैं कि अल्लाह की मदद से हमारा हाथ उठता गया, लोग हमारी बात सुनते गए। और फिर हमने 2019 में एक और त्रीही काम किया, यूरोपियन पार्लियामेंट की जो ह्यूमन राइट्स कमेटी है ऑफिशियली उसके अंदर कश्मीर के ऊपर हेयरिंग हुई, ये कोई छोटा काम नहीं था। इसके ऊपर जो उस वक्त के यूरोपियन पार्लियामेंट के चेयरमैन थे ह्यूमन राइट्स कमेटी के, वो रीजन इटालियन है, अंटोनियो पंसारी उनका नाम है, जब उनके साथ कमेटी को भी और उनको बात हुई तो ये जो करारदादें पेश करना या ऐसी हियरिंग कराने के लिए यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर 10 या 11 मुख्तलिफ बड़ी मेजर पार्टियां होती हैं उनके हेड के साथ मिलकर उनका एक पेज पे होना, उनका इस चीज को ऑन करना, इसके ऊपर हमने हमारे एक रीजन पाकिस्तानी एमईपी है वाजिद खान जो कि यूके से थे ब्रेग्जिट के बाद, आजकल वो बर्ले के मेयर भी हैं। हमने फिर इसके ऊपर काम शुरू किया और उस वक्त इंडिया की वजीरे खारजा एक खतून थी और इवन नरेंद्र मोदी का जब मैं नाम लेता हूं, अगर मैं इसको दहशतगर्द ना कहूं, इसकी आरएसएस को दहशतगर्द ना कहूं तो मेरा फिक्रा पूरा नहीं होता। हमने फिर इन लोगों को जो है यूरोपियन पार्लियामेंट में 2 बार इन्होंने उस हेयरिंग की डेट चेंज कराई और इन्होंने आजाद कोशिश की कि हम इस हेयरिंग को ना होने दें, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो हेयरिंग हमने कराई, डंके के चोट पे कराई। इवन हमारा फॉरेन ऑफिस भी जो था या उस वक्त की जो बेल्जियम में अम्बेसडर थी मैडम नगमाना हाशमी, वो डरती रही थी और उसका था कि ये ना हो। एक दिन मैंने कहा मैडम क्यों, तो उनका ये कहना था कि अगर ये हमारे खिलाफ चली गई तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने असल में, मैं आपके प्रोग्राम के जरिए एक और बात भी करता जाऊं, हमारी ब्यूरोक्रेसी को, हमारे ब्यूरोक्रेटों को इनके अंदर सीने में ना बड़ा दिल बनाए, ये अपने आप को इस मुल्क का बेटा बनाए या बेटी बनाए और बहादुर बने। इनको ये होता है कि अगर कोई ब्लंडर हो गया तो मेरी आगे वाली पोस्टिंग रुक जाएगी या मेरी आगे एएसआई क्या उसको कहते हैं कि एसीआर रुक जाएगी। असल में मसला ये है, इनको मैं कहता हूं कि अगर मैं किसी जगह बैठा हूं
जो जितनी बड़ी गलतियां करेगा मैं उतनी अच्छी उसको ACR दूंगा, क्योंकि जब बंदा गलती नहीं करेगा तो वो काम, इसका मतलब है जो गलती नहीं करेगा वो काम नहीं करता है। नहीं वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है सर, लेकिन जो आपने एक तो एक इंडिविजुअल इनिशिएटिव होता है ना, जैसे आपने कहा कि वो जो सरकार थी वो लैक करती थी सर, एक गवर्नमेंट पॉलिसी भी होती है। इंडिया ने मोदी की क्यादत में कश्मीर में जो कुछ किया एक साल पहले हम सब वाकिफ है। ओपन एयर दुनिया का सबसे बड़ा प्रिजन, इसको अब इंटरनेशनल जो बॉडीज है वो डिक्लेयर कर रही है, जो कि कन्वर्ट कर दिया कश्मीर को। हमने पाकिस्तान में क्या किया सर, हमने एक मिनट की खामोशी इख्तियार की, हम जुम्मे को एक मिनट के लिए जहां पर होते हैं वहां पर खड़े हो जाते थे, हमने दो तकारीर की, उसके बाद हम UNGA में गए, वहां जाके हमने कहा कि हम कंडेम करते हैं। डू यू थिंक दिस इज इनफ? बिल्कुल, ये जो बात आपने की है मैं कई बार ये कह चुका हूं कि साल में एक बार यूनाइटेड नेशन में तकरीर करने से, 5 फरवरी को यौमे यकजहती कश्मीर मनाने से, एक मिनट की खामोशी करने से ये केस दुनिया के जितने जालम गुजरे हैं अगर वो सारे जालमों का जुल्म जमा करें तो ये जो मकबूजा कश्मीर में इंडिया 73 साल से कर रहा है इनका जुल्म, फिर भी वो दुनिया के जालमों के सामने बहुत, वो दुनिया के जालमों का जुल्म बहुत नीचे होगा, इनका जुल्म बहुत ऊपर है। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट हम ये कहते हैं कि कश्मीर हमारी शाह रग है, लेकिन इस शाह रग में जो उस तरफ, मैं अक्सर उन माओं बहनों बेटियों को सलूट पेश करता हूं जो मकबूजा कश्मीर में आज भी सब्ज हलाली परचम में अपने बच्चों का जिस्द खाकी जो है वो लपेट कर उसको कफन परचम सब्ज हलाली परचम में, लेकिन हमें उनके साथ इंसाफ करना है और इंसाफ करने का तकाजा ये है कि गवर्नमेंट हो, अपोजिशन हो, मजहबी जमाते हो या कुछ भी हो, हम उनके लिए इतना बड़ा स्टैंड लें, क्योंकि पाकिस्तान वो जो मजलूम को ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोग बसते हैं ना, उनकी अगर दुनिया में अल्लाह के बाद किसी के साथ उम्मीद वाबस्ता है तो वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान को में पाकिस्तान तो हर वक्त के साथ खड़ी है। लेकिन ये कभी कभी हमारे सियासतदान एक दूसरे की पॉइंट स्कोरिंग करने के चक्कर में ऐसे ऐसे ब्लंडर कर जाते हैं, ऐसे ऐसे बयान दे जाते हैं कि फलां ने कश्मीर बेच दिया, फलां ने सौदा कर दिया। खुदा रा आपके प्रोग्राम के जरिए मैं कहता हूं कि ऐसी बातें ना किया करें। अगर आपके घरों से ये लाशें ये निकले हों, आपके घरों से शहादतें हुई हों, तो फिर मैं देखता हूं कि आप ये कैसे बातें हाथ ऊपर करके या ऊंची आवाज से करते हैं। वो उन माओं से पूछें कि जिनको जब दरवाजा खोलती हैं तो सामने नरेंद्र मोदी की दहशतगर्द फौज का फौजी उनके ऊपर असला ताने खड़ा है। हमें ये देखना है उनकी, उनको आजादी दिलानी है, और आजादी दिलाने का तरीका एक ही है कि हम एक पेज पे हों कश्मीर के ऊपर। और ये एक प्रोग्राम आपके जरिए मैं अक्सर एक और बात रिक्वेस्ट गवर्नमेंट पाकिस्तान से करता हूं कि हमारे जितने फॉरेन मिशन हैं, हमारी जितनी कौंसलेट हैं, हर कौंसलेट और फॉरेन मिशन अम्बेसी के अंदर कश्मीर का एक डेस्क होना चाहिए, ताकि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो रियल जुल्म हो रहा है उसकी तस्वीर कशियों को बता सकें। क्योंकि इस वक्त दुनिया को हम इस चीज केस बताने में हम बड़े कमजोर हैं, जुल्म इतना बड़ा है कि उसकी दास्तान हम दुनिया को बताने में अभी तक उस हद तक कामयाब नहीं हुए। ये बात आप कर रहे हैं ना, ये जब भी पाकिस्तान में यौमे सियाह साल में एक या दो दफा मनाया जाता है कश्मीर को लेके, तो कोई आप जैसे लोग जो कि कश्मीर के लिए हसास है, सेंसिटिव है, उनके लिए फील करते हैं, वो हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं, और ये मुतालबा मैं तो जितना मेरा करियर है उस सारे करियर में ये मुतालबा लोगों की तरफ से सुन रही हूँ कि एक कश्मीर डेस्क कायम कर दें, लेकिन समहाउ जो भी हुकूमत होती है उसको इस बात का कोई असर नहीं होता। मैं एक चीज आपसे अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ, क्योंकि आप इंटरनेशनली इन चीजों को फर्स्ट हैंड डील करते हैं, एक अगर कंपैरिजन करके बताइए कि भारत ऐसा क्या करता है लॉबी करने के लिए दुनिया में जो हम नहीं करते। क्योंकि मैंने अपने सारे करियर में ये भी हमेशा सुना है कि भारत की लॉबी बड़ी तगड़ी है, हम उसको नहीं ब्रेक कर सकते। मैं आपको ये बात बताऊं, अगर ये मैं आपके प्रोग्राम में वसूख से कहता हूं, अगर इस मुल्क का बैरोक्रेट जो है मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाए, जो हम बाहर बैठे हुए हैं हमें पता है कि केस लड़ा कैसे जाता है। अभी इंडियन लॉबी जो है वो जहां पर ट्रेड करते हैं, ट्रेड के दरमियान ही वो कश्मीर की बात करते हैं कि कश्मीर के ऊपर आप बात नहीं करेंगे। हमें ये तोड़ना है, और ये उनकी, मैं हमेशा ये कहता हूं कि कुफर टूटेगा,
ये वो वक्त नहीं है टूटेगा नहीं, लेकिन हमें अपनी पॉलिसियां चेंज करनी है। अभी हमें जो 2010 में थी या 2000 में थी, अभी 2020 है। अभी 2020 मैच जो क्रिकेट में होता है उसकी स्पीड के हिसाब से हमें चलना है। अभी ये टेस्ट कैरियर नहीं है, ना ये वनडे क्रिकेट है, ये 2020, हमें 2020 खेलना है और उनकी जुबान में खेलना है। अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ, इस साल 22 अक्टूबर जो 27 अक्टूबर 1947 को इंडिया की दहशतगर्द फौज कश्मीर में उतरी थी, अभी इस दफा मकबूजा कश्मीर के ऊपर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है नरेंद्र मोदी और उसका मीडिया में, एक 5 साल का सरदार साहब है और एक हिंदू फैमिली है, वो 5 साल के सरदार साहब ये किस्सा सुना रहे हैं कि 47 में मैं 5 साल का था जब फौज पाकिस्तान ने हमें मारा, हजारों की तादाद में मारा। मैं लोगों को कहता हूं कि खुदा रहा उनको जवाब दो, इंफॉर्मेशन ठीक कर लो, उस वक्त तो हमारी तो इतनी फौज ही नहीं थी। और जो हमारा उस वक्त का हमारी फौज का जो आर्मी चीफ था वो तो ब्रिटेन था, और ब्रिटेन ने तो ये मसला छोड़ा हुआ है, वो कैसे इंडिया के साथ झगड़ेंगे। हमें ये तरीक से सीखना है, सोशल मीडिया हो या ग्राउंड पे हो, पार्लियामेंट के अंदर हो, बाहर हो, हमें। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये फ्रांस ने रफल तैयारों का बिजनेस किया है नरेंद्र मोदी के साथ। अभी हम यही जी फ्रांस हमारे हाथ से निकल गया, नहीं, फ्रांस में एक अपोजिशन पार्टी है। अभी मैक्रोन जो है प्रेसिडेंट जो है अपना फ्रांस का, वो तो है ही मकरू, मैं तो अक्सर उसका नाम मकरून नहीं मकरू रख दिया है, क्योंकि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अगर उसने कोई गलत लफ्ज किया है तो मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूं और उसको हर प्लेटफॉर्म पे यूरोप के हम उसके ऊपर आवाज उठाएंगे, क्योंकि हमारा तो उस वक्त जीना मरना उठना बैठना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। लेकिन इसके साथ हमें ये सोचना है कि बाकी यूरोप के मुल्क जो है, जर्मनी है और मुल्क जो है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कश्मीर के ऊपर मदद करना चाहते हैं, लेकिन जब तक हम किसी के पास जाएंगे नहीं, डायलॉग करेंगे नहीं, टेबल टॉक करेंगे नहीं, घर बैठे हुए तो कोई भी आपके पास नहीं आएगा। अभी मैं प्राइम मिनिस्टर को कोई ये 2 हफ्ते पहले मिला और मेरा 1 पॉइंट झंडा था कि जर्मनी ने आपको दावत दी है, आपने जर्मनी ने जाना है। अभी शाह महमूद कुरैशी साहब को मैं मिला परसों, उन्होंने जाना था जर्मनी, लेकिन हाउएवर अनफॉर्चुनेट हालांकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने अपना त्यारा भी उनको कहा कि मेरा त्यारा स्पेशल त्यारा लेके चले जाओ, लेकिन वहां पर जो हमने मेहनत की हुई थी, लोगों से मुलाकातों का किया हुआ था, अभी कोरोना में एसओपी है, ये तो नहीं है कि कोरोना में दुनिया तो चल रही है, आप सोशल डिस्टेंस के ऊपर बैठ के बात कर लें, अपना मुद्दा तो बयान करें ना, लेकिन हमारा एकदम असल में मैं आपको बताऊं इस मुल्क में जो लाबियां बनी हुई है ना, अभी आपने ये मुझे सोचा कि फॉरन ऑफिस में अभी 4 लाबियां एक सुप्रीम कोर्ट में चली गई है तबादलों के खिलाफ, अभी ये कश्मीर का केस या हमारा ओवरसीज का केस क्या लड़ेंगे, ये इनके अपने केस ये अदालतों में चले गए हैं। हमें ये सोचना पड़ेगा इसके ऊपर, हमें बजाय इसके कि एक दूसरे को ताना देना शुरू करें, हमें ये सोचना है कि ये मुल्क हमारा है, इसको बचाना भी हमने है। लेकिन सर, मैं ये सवाल आपसे वैसे भी पूछना चाह रही थी, भी आपने जिक्र कर दिया, हवाला दिया कि आपकी मुलाकात भी हुई है, आपकी मुलाकात सदर पाकिस्तान से भी हुई है, आपकी मुलाकात इमरान खान साहब से भी हुई है, आपकी मुलाकात चौधरी सरवर साहब से भी हुई है, उनकी भी एक स्टैंडिंग है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें, कम्युनिटी की बात करें, वहां पर उनका भी एक नाम मकाम है। सर, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत के बारे में, कि ये कश्मीर को इशू को देखते कैसे हैं, संजीदा कितना है, यहाँ पे कॉम्पिटेंस कैपेसिटी का इशू है या सिंसेरिटी का इशू है? देखिए, एक चीज तो मैं आपको बताऊं, जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है, जो इसने यूनाइटेड नेशन में तकरीर कर दी है, वो उसके ऊपर तो मैंने प्राइम मिनिस्टर के जो मुहालिफ हैं उनको भी दाद देते सुना है, जबरदस्त तकरीर थी, बहुत अच्छा मौकफ था, क्लियर था। और दूसरा, कानून साज असेंबली कश्मीर में खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं कश्मीरियों का सफीर हूं। लेकिन जहां तक आपकी आगे जो फॉरन पॉलिसी है, उसमें मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की कि फॉरन ऑफिस को आप कहें कि कम्युनिटी का और हमारे एम्बेसियों का आपस में गैप कम हो। उन्होंने मुझे कहा, मैं बुलाकर भी कहा है और लेटर भी लिखा है, लेकिन आगे एप्लीमेंट नहीं होता है, क्यों नहीं होता है इसके ऊपर हमें सोचना है। अभी खत लिखा गया और उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। अभी वजीर आजम साहब ने एक ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कंप्लेन सेल बनाया है, उसमें उन्होंने हमेशा सख्त मौकफ दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेट मैं आपको बताऊं, हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, मैं आपको पिछले 12-13 साल की एक बात बताता हूं, हम जो है कोई भी सियासतदान है ना, हम उनके मुंशियों के हवाले हो जाते हैं।
अभी ये बताएं कि मैं आपको बताऊं कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब के दौर में फरूख स्टार को हमारा मिनिस्टर लगा दिया गया ओवरसीज का, तो जिसको ये भी पता नहीं है कि उसके घर से कोई ओवरसीज है या नहीं। उसके बाद अगला दौर आया हमारे ऊपर, जो अगली गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने मुंशी लागू कर दिए, इनसे पहले पहले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने मुंशी हमारे ऊपर लगा दिए, और अभी इस बात पे मैं बिल्कुल रुकता नहीं हूँ, जो मौजूदा गवर्नमेंट है इन्होंने भी अपने मुंशी हमारे ऊपर लगा दिए हैं। नहीं लेकिन ये तो कहते हैं, ये तो कंसर्न, अभी तो वो कहते हैं जी कंसर्न लोग हैं, ये तो खुद ओवरसीज और ये सारे मामला कुछ जानते हैं, देखते हैं फर्स्ट टाइम, वो कहते हैं आपके प्रोग्राम में कहता हूँ कि इन ओवरसीज को पूछे कि इनको जिस शहर से यूरोप के या यूके के जिस शहर में रहते हैं वहां इनको कोई दूसरा बंदा जानता है कि उनके प्रॉब्लम क्या है, ओवरसीज हैं क्या, ओवरसीज के मसाइल क्या है, कि टीवी पे बैठकर दो लफ्ज दिखा देने या ट्विटर पे अपने मीडिया एडवाइजर को कहना कि ये ट्विटर कर दो कि मैं ओवरसीज के लिए बहुत कर रहा हूं। ओवरसीज को अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैं कश्मीर सेल के लिए कहता हूं कि हर यूरोप पाकिस्तान की एम्बेसी में कश्मीर डेस्क होना चाहिए, ऐसे ही हर एम्बेसी में एक ओवरसीज प्रॉब्लमों का डेस्क होना चाहिए, क्योंकि हमारी डायरेक्ट जो है इजी अप्रोच जो हमारी एम्बेसी और कौंसुलेट है। अभी यहाँ पर इन्होंने ओपीसी बना दी या यहाँ पर ओवरसीज कोई नुमाइंदा लगा दिया, उन तक हमें पहुंचते अभी मसलन अगर बंदा किसी का पार्टी पीटीआई से नहीं तलक है, नून लीग से नहीं है, पीपल्स पार्टी से नहीं है, वो अपने मिसाइल कहाँ रखे, क्योंकि हमें बीगे पाकिस्तानी उठना है, बीगे पाकिस्तानी बात करनी है, और इनको हमारी प्रॉब्लमों का हल बीगे पाकिस्तानी करना है। अभी ये अपने वोटों के लिए या अपनी जेबें भरने के लिए या हमारी जेबें काटने के लिए ये हर किस्म के तरीके अपनाते हैं, और मैं आपको बताऊं इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पाकिस्तानियों को अभी भी लूटा जा रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानियों को पहले दो दौर में भी लूटा जा रहा, लूटने में कोई कमी नहीं आई, लेकिन फिर भी हमारा है कि हमारा ये वतन है, हम इससे बेहद मोहब्बत करते हैं, और ये मुल्क को चला भी अगर सिर्फ पाकिस्तानी रहे हैं, और इसके बावजूद हमारे साथ जो हो रहा है। नहीं सर, इसमें ये बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है ओवरसीज पाकिस्तानी की, और ये जो बातें मामला आप उठा रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस उसके साथ इंथुजियाज्म के साथ आप रेस कर रहे हैं, कामयाबी हासिल हो आपको कश्मीर की जहां पर बात है, जहां पर ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात है। आखिर में सर एक कमेंट आपसे लेना चाहती हूँ, मैंने आपको एक दो टॉक शोज में सुना है रिसेंटली, अभी जो आपका अभी का पाकिस्तान का विजिट है, जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है जो कि आजकल हम देख रहे हैं, पीडीएम का फोरम और जो बाकी ऑपोजिशन जमातें जिस तरीके से इकट्ठा हुई हुई, और फिर वो ऑपोजिशन करते हुए क्या कुछ कह जाती है हमारे इदारों को भी, क्या कुछ ऐसे बयानात दे रही है जो कि हमारे दुश्मनों को सूट करते हैं, वो आपके सामने है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है इंटरनेशनली जब आप लोग लॉबी करने निकलते हैं, तो क्या आप पर कोई असर होता है? बिल्कुल असर होता है जी, मैं आपको इसकी मिसाल ये देता हूँ कि जब ये ऐसे, अभी मैं आपको बताऊं कि तीन टाइम आपके मुल्क का वजीर आजम रहने वाला बंदा, तीन टाइम अगर वो जो गुफ्तगू जो जुबान इस्तेमाल करते हैं, अभी मुझे तो इसके ऊपर सिर्फ शर्म ही आती है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है, और अल्लाह करे कि ये शर्म उनको भी आ जाए, क्योंकि अभी ये जो आपने जमात का नाम लिया पीडीएम के, पता नहीं पीडीएम ये पीडीएम ये जो भी है, हाँ अभी ये बताएं इनकी ये गिराना चाहते हैं गवर्नमेंट को, ये जंग करना चाहते हैं कि इमरान खान का वोट इनका, अभी ये हिट किसको कर रहे हैं? अभी पहले जो एपीसी हुआ, इनकी पहले वाली तकरीर सुन ले, गुजरांवाला में इन्होंने हिट किसको किया, और आखिर में वो कहते हैं बड़े मियां छोटे मियां, सुभान अल्लाह, आखिर में बलूचिस्तान में वो एक इनके वालिद को मैं बड़ा अच्छा जानता था, और ये अंश नरानी को भी मैं जानता हूँ, अंश नरानी ने तो हद कर दी, इंडिया जो वो उनका एक रिटायर मेजर है गोरम के, पता नहीं क्या वो जन्मी बदजबान, बल्कि इसी प्रोग्राम के जरिए क्योंकि आपका प्रोग्राम सुना जाता है, मैं इंडिया को भी एक पैगाम देता हूं कि जोर लगाओ जितना है, हर प्लेटफॉर्म पे हम 65 याद कराएंगे, 27 फरवरी 2019 याद कराएंगे, और तुम जितनी चीजें मारोगे कुलभूषण हम पकड़ेंगे, और भी तुम्हारे कुलभूषण है, और जो कुलभूषणों के साथी है पाकिस्तान में उनको भी नंगा करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के सियासतदानों को मेरा एक पैगाम है कि खुदा रा ये बात जेहन में रखें,
इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का जो नारा है वो आप अपने मुंह से ना लगाएं, आप अपना नारा जो है अपने मुंह से लगाकर एप्लीमेंट ना कराएं। फौज के अंदर शायद कोई बंदा गलत हो सकता है, लेकिन आपको मैं लोगों को अक्सर मिसाल देता हूं कि मेरे पास कोई बंदा आए कि चौधरी साहब आप बहुत अच्छे बंदे हैं लेकिन आपके अब्बा जी बड़े अच्छे आदमी नहीं है, व्हाट मीन ऑफ दैट, इसका क्या मतलब है। अभी फौज जो है इस मुल्क की 8 लाख फौज है, उनका सलार जो है अगर उसको कोई बुरा कहेगा तो ये फौज सुनेगी कैसे, बर्दाश्त नहीं करेगी। ये मैं आपको बिल्कुल हकीकत बता दूं, ये एम हो की जन्नत में रहते हैं कि जो जिस तरह चल पड़े हैं कि हम ये कर देंगे हमारा मुकाबला, बट पॉलिटिकल फोर्स हो, पॉलिटिकल फोर्स मुकाबला करो, इमरान खान को हटा दो, मुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नवाज शरीफ भी हट गया, जरदारी भी हट गया, जो जो आया हटता गया, अभी ये हटने और हटाने में दरमियान में अपने अदारों को ले आना, ये कहां की अकलमंदी है, या ये कौन सा तुरमहान आप बन गए हैं कि अपने अदारों के खिलाफ जुबान खोलने से आप तुरमहान नहीं बनेंगे। लोगों की नजरों में 10-20-50 हजार बंदा जमा करके अगर हम ये नारा लगा लें कि ये बंदे भाई, यहाँ 22 करोड़ अवाम है। मैं अक्सर ये एक टीवी टॉक शो प्रोग्राम में एक बंदे को मैं कह रहा था, किसी जमात का था, कि आप पब्लिक में जाए और आपको पता चलेगा कि पब्लिक आपको किन नजरों से देखती है, क्योंकि इस कौम को पता है ये गयूर कौम है, इनको पता है कि हमारे बॉर्डरों का महाफज कौन है। अगर हमारी फौज और जिन वर्ष तीन हालात में ये मुल्क एटमी ताकत बना और अल्हम्दुलिल्लाह ओआईसी में हम एटमी ताकत हैं, और अगर इंडिया या इंटरनेशनल और ताकतें जो हमारे हमें नहीं देखना चाहती अगर वो हमारी तरफ नहीं आ रही हैं, तो इसका सबसे बड़ा हमारे पास जो तुर्रा इम्तियाज है वो एटमी बम है, एटम है, और दूसरा फौजे पाकिस्तान है। और फौजे पाकिस्तान को अभी डिस्टेबल करने के लिए, कमजोर करने के लिए, प्रोपोगंडा करने के लिए इस मुल्क में नामो नाद साफी, जिनको मैं कहता हूं यहाँ इस मुल्क में बेनामी कोंट निकले, ऐसे ही बेनामी साफी भी निकल रहे हैं जो मीडिया पे बैठ कर यही काम लगे हुए हैं मुल्क के अंदर और कई मुल्क के बाहर भी लगे हुए हैं। उनको भी मैं आपके प्रोग्राम के जरिए पैगाम देना चाहता हूँ, और बंदे पुत्र बन जो निके छित्र पहन दे जे, क्योंकि ये मुल्क नाल ही सारी हमारी बहारें इस मुल्क के साथ हैं। और यूरोप में मैं रहकर मुझे ये फख्र है कि मैं पिछले 10-12 साल से इंडिया और इंडियन लॉबी ने मुझे थ्रेट किया हुआ है, और उनकी इतनी जुर्त नहीं है, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरा रास्ता रोक सके, क्योंकि मेरा नारा और जो मेरा नारा है वो पाकिस्तान जिंदाबाद है, और मैं यूरोप में रह रहा हूँ, यूरोप जिंदाबाद है। इंडिया को मैं मुर्दाबाद कहता हूँ, मुर्दाबाद कहता रहूंगा और उनका मुकाबला करता रहूंगा, और इंशाल्लाह बफजले खुदा ओवरसीज पाकिस्तानी हर लिहाज पे मुकाबला करेंगे। और मुल्क के अंदर रहने वालों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने दारों को बदनाम ना करो, ना करो, ना करो, क्योंकि ये दारों से ही, बल्कि दारे तो एक प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए। अभी जो खुद जब भी बंदा प्राइम मिनिस्टर रहता है तो उसको ये दारे याद नहीं आते हैं, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है तो उसको दारे याद आ जाते हैं। ये भी एक कमाल का मुल्क है जी, कमाल की चीज है। बस ये इस मुल्क की अनफॉर्चुनेट वो है, सियासी तारीख है जो इसी तरह से है। लेकिन जैसे आपने कहा कि इस दफा उस कन्फ्रंटेशन को वो इतना आगे लेके जा रहे हैं कि वो ये बात अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि यहाँ पर मुल्क का इंटरेस्ट कहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, और इन चीजों का जाहिर है इम्पैक्ट होता है। आपका बहुत शुक्रिया लोसर साहब, आपने वक्त दिया, बहुत एक फ्रूटफुल आपके साथ सेशन हुआ डिस्कशन का, और आप वापस चले जाएंगे लेकिन हम फिर भी आपसे रब्ते में रहेंगे, और वहां पर जिस तरह से आप कश्मीर कॉज को जब जब लेकर चलेंगे हम कोशिश करेंगे कि वो जो आपका मौकफ है हम यहाँ पर पाकिस्तान में भी लोगों को सुनाएं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सर आपका जी। व्यूअर्स, कलम कैमरा स्पेशल आपने देखा, आज के लिए बस यही कुछ। इसमें जमात को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह।